लेकिन नौफर और उनको साथ देने के लिए एयर वन साइड में प्रवीण कुमार बेहरा और एयर टू साइड में सुनील कुमार टोडो। इसी के साथ हुइसलिंग का आवाज आवाज के साथ फिर चाहे शुरुआत हो चुका है। आक्रमण राम जाने के तौर से राइट आउट के विंगर कृष्णा के पास बहुत ही अच्छी शॉट वहां पे ले तारीफ करना होगा यहां पर से आपको जिस तरीके से गेंद को पूरी तरह से यहां पर जिस तरीके से मौका मिला था बेहतरीन फिनिशर और वह स्कोर मास्टर हिसाब के हिसाब से मारे जाते हैं सामने जर्सी नंबर 11 फ्रॉम राम जाने एफसी। लेकिन एक वक्त पे वहां पर गोलकीपर ने अच्छी बचाव किए तारीफ करना होगा गोलकीपर रोहित कुमार सिंह जिस तरीके से अपने टीम को पूरी तरह से अपने प्रतिद्वंदी के आक्रमण से बनाए ऐसा प्रयास वहां पर केंद्र पर बढ़ चुके हैं जर्सी नंबर 15 राइट आउट के विंगर के हिसाब से जर्सी नंबर 8 को दिया हल्का सा गलती किया जिसके वजह से गेंद को लेने में और पूरी तरह से आगे बढ़ने में तैयार हुआ है टीम सुनील स्पोर्टिंग एफसी मसीना छोड़ी। अभी साइड है साइड है अभी साइड का पसी जा पसी जा। और इसी के साथ चलते हैं सुना सुना बैक ला लिया बैक ला बैक ला बैक ला बैक ला चलते हैं मैदान के बीच से मैच। ये मैच उनके लिए बहुत मजबूती मैच है ये क्योंकि आज अगर ये मैच को जीत के जाते हैं तो आप 29 तारीख को आएंगे तो ये आप दो टीम के लिए एक कड़ी चुनौती है। जीतना तो दोनों टीम को जरूरी है और किसी ने खूब कहा है ना हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है ये एक खेल है इसे खेलना जरूरी है। चलिए मैदान के बीच इस समय साफ आके अपने प्रयास करते हुए और यहां पर गेंद दीपक सुंदर तरीके से पासी मुंडा ने दीपक के लिए गेंद को निकाला लेकिन दीपक ने आगे नहीं बढ़ा पाएंगे तो उन्होंने आसानी से यहां पर चलते हुए आगे बढ़ता इस पर गंदारा सर यहां पर विपिन किसको के लिए राम जाने के मोमेंटम यहां पर तैयार होता हुआ विपिन किसको जो कि अंडर 17 नेशनल प्लेयर ओडिशा के लिए 15 है और इसलिए संकेत को होल्ड करते हुए लेकिन गेंद यहां पर नियंत्रण किया गया है गेंद को होल्ड करने के बाद आखिर यहां पर क्रैश होता हुआ और गेंद गया बाहर और यहां पर थोड़ी का मौका मिलेगा टीम रामजाने एफसी को। लेकिन नेक्स्ट मैच के लिए अभी से आपको अवगत करा दिया है दिया जाता है कि आप है एक स्तर होरिता गोज टीम में बजरंग वाली एफसी मयूरभंज बजरंग वाली एफसी मयूरभंज टीम एक स्तर होरिता गोज आप अपने खिलाड़ी को रेडी कर लेंगे क्योंकि आपका मैच होगा अगला मैच और आज का दिन का अंतिम मैच और चलते माता कभी चलते साइड बैक से पिटे करने की कोशिश करते हुए गेंद को होल्ड किया और कमाल की यहां पर क्रॉस थी लेकिन ये क्रॉस यहां पर बचाते हुए डिफेंडर आसानी से और मौका बनेगा दावा देगा मोहित के पास मौका दे देनो ने बहुत बड़ा गलती किया हम देखे गेंद को मिस किया यहां पर देनो ने देख के गेंद नहीं दिए थे यहां पर हम देखा गेंद को टच कर दिए थे पासी मुंडा के पास गेंद रोकने के लिए रंजन तिवारी कोशिश करते हैं रंजन देवरी काफी कमाल के डिफेंडर है लंबे कद का ठीक है लेकिन जिस प्रकार से डिफेंडिंग करते हैं रंजन देवरी इनको जितना भी फंस सके कम कम पड़ता है जिस प्रकार से बहुत सारे टूर्नामेंट में ये डिफेंडर भी बेस्ट डिफेंडर के अवार्ड को जीते हुए हैं तो आज अपने टीम को 29 तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आपका दीपक ये पुलिस किया लेकिन किस की सुंदर क्रिया के जरिए अपने राइट विंग को पूरा किया राइट विंग रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश करता धीरे धीरे से गेंद को आगे बढ़ाया एक कदम मैदान लेकिन रहेगा हुइसलिंग सेंटर रेफरी के द्वारा यहां पर हुइसलिंग होते हुए मैच का सेंटर रेफरी जो कि काफी डिस्टेंस तय करके आए हुए काफी अनुभवी रेफरी भी है और आज निश्चित रूप से उनका नाम नहीं ले पाऊंगा कुछ जिस तरह फाइनल डे में बताऊंगा उनका नाम अरे इसी के साथ चार नंबर दारा नजर निकी करते हैं जो कि फाउल लीग
कब तक में जो करेंगे वहां तो वो लीग बाबरती में होने वाली लीग में खेलने वाले खिलाड़ी है ये टीम है तो जो देख रहा आप प्राप्त होगा आपका ठीक है भाई ये पास है लेकिन तीनों लंबा प्लेसमेंट क्योंकि हल्का सा उनके पास है फाइव से लेकर थ्री से फोर मीटर की दूरी पर खिलाड़ी होने की वजह यहां पर उनको लगा कि गेंद उन पर टकराएगी लेकिन पावर हिट करने के प्रयास में गेंद डायरेक्ट यहां पर पिकअप करते रोड की साइड में अच्छी कोशिश अभी तक मेज राम जाने के कब्जे में ये मेज में अधिकतम फोर प्रश्न अगर देखा जाए कम से कम 100 में 60% फोर प्रश्न को अपने पास में रखता हुआ अपने कब्जे में रखता हुआ टीम राम जाने एफ सी मात्र यहाँ पर 40% गेंद को रख पाया फर्स्ट हाफ में टीम के बात की जाए तो फोर टीम है सुनील स्पोर्टिंग और इसी के साथ हो रहा है तय करने के लिए श्याम थ्रू बॉल डाला लेकिन इंटरनेशनल ने यहाँ पर हल्का सा लेट किए रिसीविंग पहला टच उनका सही नहीं था नहीं तो कितनी कमाल की मूवमेंट था कितनी कमाल की दृश्य देखने को मिलता रंजन सुंदर क्लियरेंस लेकिन थ्रो इन का मौका मिलेगा टीम में रामचंद्र एफसी को इतना गजब का मैच चलता हुआ ये मैच पूरी तरह से दोनों टीम को आप देख रहे होंगे लग रहा हो कि ये मैच एक क्वार्टर फाइनल का मैच चलता हो क्योंकि ये वही मैच है जिस प्रकार से हम 32 टीम को लेकर के चार प्राइज देते हैं लेकिन ये 32 टीम को लेकर ये टूर्नामेंट मारंगापट्टी क्लब सरफोसी ये 8 प्राइज दे रहे हैं तो भी ये नतीजा है कि एक मर्तबा जीतना है और ये सेकंड राउंड का मैच चलता हुआ जैसे बनाइन आसानी से गेंद को निकालते हुए 8 नंबर के लिए लिए 46 नंबर देना गेंद को कंट्रोल नहीं कर पाए सुनाराम की सुंदर हेड दीपक के लिए और वही हेड पास खेलते हुए गोल पोस्ट गवा देंगे लेकिन पूरा गेंद को अपने नियंत्रण में रखने में सफलता हासिल किया था कि थोड़ा सा चलती बाजी वही टेकल किया गया बिग साइड से और हल्के से यहां पर स्टफिंग मैन ऑपरेट रहा जहां पे सेंटर रेफरी की गुजरी हमें सुनने को मिला और ये मैच में दो सेंटर रेफरी वरुण कुमार बेहरा उनके साथ साथ सुनील टूटू प्रथम सेल में और यहां पर कैसे बसा गजब की यहां पर कंट्रोल मानो कि उनके हाथों में इस गेंद के लिए एक चुंबक फिट हुई है जब जब यहाँ पे सारे तब तब गेंद उनके हाथों में आ जा रही है तो वो हाथ से दूर रखना होगा गेंद को तभी शायद घूमने की ये मोमेंट बन सकती है लेकिन इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ जिस बात के पास ये दे 8 नंबर यहाँ पर 16 नंबर के लिए फुटुन देहोरी के पास गेंद जाएगा फुटुन देहोरी सुंदर तरीके से गेंद आगे बढ़ाने के प्रयास करते हैं श्याम के लिए अच्छी तालमेल वन टू खेलने के प्रयास किया लेकिन डेरो सुरेन एक गजब खिलाड़ी है लेकिन सही गेंद नहीं हो पा रहा है एक मरतबा गेंद को रिसीव करना चाहिए था डेरो सुरेन को वन टू खेलने के लिए आपको आपका खिलाड़ी आपके पास आना चाहिए आपका खिलाड़ी अगर रनिंग में जा रहे हैं तो उनको आपको गेंद रिसीव करने के बाद सौंपना होगा नहीं तो कुछ फायदा होगी नहीं अभी भी गेंद यहाँ पे लंबी उछाल के साथ गेंद को निकाला बादल मुंडा ने लेकिन पूरा सोरेन जो कि शाम दारा सानो किसको के पास गेंद सानो किसको ने गेंद को उछाला था दिलीप रूनी प्रयास लेकिन फुल पोस्टिंग करवा देंगे और आसानी से अपन गेंद रन करते हुए और यहाँ पर 17 नंबर के पास गेंद 17 नंबर ने हल्का सा यहाँ पर वन टू खेलने के बाद आगे बढ़ते हुए लेकिन गेंद को आगे बढ़ने में मौका नहीं दे रहे डिफेंड यहाँ पर एक दीवार की तरह खड़े हुए हैं एक बड़ा सा दीवार बना दिया है अंबुजा सीमेंट की तरह यहाँ पर जिस प्रकार से अंबुजा सीमेंट से बना हुआ घर कभी ढलता नहीं उसी प्रकार की डिफेंस लाइन मजबूती में खड़ा हुआ है टीम के जो कि रामचंद्र एफसी अभी नीचे से 17 के पास दोनों टीम के पास अभी भी स्कोर लाइन नहीं है 0-0 की कगार में चलते हुए अभी वही एक गोल की तलाश में दोनों टीम निकल पड़े हैं अब देखते हैं किनको मिलता सोना और किनको मिलता है कोयला ये तो वक्त ही बताएगा कि ये मैच का हीरो आज का दिन तक कौन रहेगा और कौन बनेगा फर्स्ट क्वालिफायर एक प्राइस लेने के लिए और यहाँ पर जल्दी बाजी पास मुंडा बदल मुंडा के लिए गेंद निकाला गया है बदल मुंडा थ्रू को डालने का प्रयास किया लेकिन गेंद ब्लॉक हुआ पास मुंडा के पास गेंद जाएगा और पास मुंडा ने एक हेड को फेंकने का प्रयास किया और यहाँ पर पूरा शिवा पूरा बदल के पास गेंद लेकिन प्ले ऑन है यहाँ पर गेंद आपके पास है इसीलिए सेंटर रेफरी ने ये कहा कि आप प्ले ऑन एडवांटेज आपके पास गेंद है इसी वजह से आपका सेंटर रेफरी ने ये अपील को नकारते हुए क्योंकि गेंद जब आपके पास ही हो जाते हैं आपके टीममेट के पास ही चला जाता है और विपिन और महेंद्र की बात की जाए
आज ऑपरेट खेल रहे हैं, लेकिन एक एक समय ये दो खिलाड़ी एक ही टीम से खेलते हैं, लेकिन आज जिस्मानी में खेलते हुए मौका मिलेगा। इसी समय थोड़ा सा बेक आना पड़ेगा आपको, जहां से गेंद बाहर हुई थी उसी जगह यहाँ पे आना पड़ेगा। यही चीज यहाँ पर सूचना देते हुए रेफरी, उनके साथ साथ ये अलवर के रेफरी वरुण कुमार बेहरा, और अभी प्लस में बीपीएल के स्कोर राइट प्लस से मौका बनेगा। गेंद क्रॉस किया, बिना देखे के फिनिश करने किया, निकल जाए तो आप यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे। इतनी कमाल की मौका थी, लेकिन ये मौका गवा दिया है। क्या मौका था, उससे भी ऐसा ये मौका देखिए आप, इतने आसानी से कुणाल को बीट किया, रंजन को बीट किया, लेकिन जो चीज की दरकार था रसमलाई का, लेकिन मिला कुछ नहीं, ना हाथ में रसमलाई ना और मल हुआ, बस रहा गया खाली हाथ। दोनों टीम की हुई सेम प्रकार की मैच चलता हुआ, दिसंबर 23 जो कि शिवा ने अपने गिफ्ट को यहाँ पर बाहर करते हुए, और इसी के साथ और ठंड का वहां पे मौका मिलेगा। दिसंबर 17 सानू वहां पे किसको करते हुए लपी उछाला गया है सियाप के डेनो के लिए, और डेनो की पहले टच सही नहीं था और खिलाड़ी को कवर नहीं कर रहे थे, और आसानी से यहाँ पर महेंद्र सोरेन ने गेंद को बाहर किया और गेंद जा चुके यहाँ पे बाहर है, बहुत दूर जाते हैं। लेकिन हमारे कमेटी के जो मेंबर है वो यहाँ पर जो छोटे छोटे बॉल बॉय है, इस सीजन हम ये रंगापट यू क्लब सालों खुशी में बॉल बॉय को हम देख रहे हैं, ये मेरी दूसरा सीजन है, लेकिन दूसरे सीजन में यहाँ पे बॉल बॉय को इस सीजन मौका दिया छोटे बच्चों को बॉल लाने के लिए। कमाल की यहाँ पर लूपिंग बॉल डाला गया था सनो की स्कूल के द्वारा, लेकिन अच्छी बचाव अच्छी कलेक्ट यहाँ पर करते हुए, एक समय ये परबिल गणेश के लिए कोचिंग करते थे और परबिल टीम के लिए खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि फुटबॉल खेल में एक गोल कभी गोल नहीं माना गया है, कभी भी जा सकती है, क्योंकि एक गोल को कोई उतना आसान से बीट करते जब इस प्रकार से टीम ने मोमेंटम तैयार कर हम जाने एफसी, लेकिन आखिरी फिनिशिंग नहीं दे पाए हैं। चार पांच बार गलती देखने को मिला है टीम रामजारा एफसी के तरफ से, लेकिन एक गलती देखने को मिला था टीम मसराजुरी के तरफ से, लेकिन दूसरा गलती और उसको देखने में थोड़ा सा देर हो गया यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिशिंग किया हुआ जर्सी नंबर 27 नंबर जर्सी ने जिस तरीके से वहां पर शॉट किया दूर से सही, लेकिन अपने टीम के लिए आत्मघाती शॉट के हिसाब से सफलता दिलाते हुए पहला गोल दागे हैं ये मैच में। ये मैच का एक अच्छा परिस्थिति बन चुका है, दोनों टीम के बीच में रफ्तार बढ़ेगा, स्टार खिलाड़ी दोनों टीम में भरे हुए हैं, लेकिन अब तक जिस तरीके का गलती देखने को मिला है दोनों टीम की तरफ से उसको सुधारने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, जो जीत हासिल करेगा उसको 8 प्राइज से 1 प्राइज का हकदार बनने के लिए मौका भरेगा। और जिसने उससे बड़े भाई जिस साहब ने जिक्र किए एक जीत आपको पुरस्कार दिला देगी, कम से कम 25,000 रुपया की आप कैश मनी के यहाँ पे एक हकदार हो जाएंगे, उनके साथ साथ फाइनल डे में खेलने के लिए आपको मौका मिल जाएगा। तो ये नहीं करवाना चाहेगा टीम जिस प्रकार से खेलता हुआ इस समय सूर्य स्मृति, लेकिन एक टीम ने बात की जाए रामजारा एफसी ये जरूर यहाँ पर कोशिश करेंगे कैसे भी हम ये एक गोल को समय पूर्ति से पर्याप्त भरा हुआ है समय, और ये तो फर्स्ट हाफ का मैच चलता हुआ अभी तक का पूरा समय उनके पास पर्याप्त है टीम रामजारा, तो समय के साथ चलना होगा क्योंकि आप आखिरी सीढ़ी तक इंतजार नहीं करना चाहेंगे ये मैच को ड्रॉ करने के लिए, लेकिन उस वक्त के दौरान अगर थोड़ा सा गलती अगर उनके द्वारा फिर से दोहराया जाएगा तो बिल्कुल काफी दिनों तक उसको पछतावे में पूरी तरह से याद रखेंगे उनके टीम के खिलाड़ियों ने।
और पछतावा की बात नहीं है बड़े भाई जी। अगर आप बात करें, आप अगर यहाँ पे एक बार हार जाते हैं तो इस टूर्नामेंट में ये इस प्रकार के बड़े टूर्नामेंट में खेलने के लिए आपको 365 दिन तक इंतजार करना पड़ जाएगा। प्रेम भाई बिल्कुल ये मुकाबला उसी इसका कागार पे खड़ा हुआ है, कुछ करके दिखाना होगा यहाँ पर टीम रामजाना एफसी को। जिस तरीके का गलती पहले हाफ में क्या है शाम और तेना जैसा खिलाड़ी, उस गलती को यहाँ पर सुधारना होगा। वक्त उनके पास में है, रणनीति में परिवर्तन लाना होगा, खेलना ही होगा। यहाँ पर क्यों डरे जिंदगी को, क्या होगा हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा या अच्छा होगा, कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मैच के बाद अपने पास अपने टीम के पास कुछ खेलने का और कुछ करने का अंदाज का तजुर्बा रहे मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ फिर से कवर में लग चुका है, उतर चुका है टीम, और एक गोल लेने के आसपास शॉट लेने के लिए तैयार हो रहा है टीम। इस बार 26 नंबर के पास मौका था, कोशिश किए थे 27 नंबर का स्कोर को फोन से पीछे दे आने का, लेकिन सेना जोड़ी एफसी ये मैच अगर देखा जाए, भले दो गोल से टीम रामजान एफसी पीछे है, लेकिन उनका बहुत बड़ा गलती जो कि स्ट्राइकर तो स्ट्राइकर तीन तीन स्ट्राइकर जो खेल रहे हैं ओपन से वो फिनिश नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये मैच में कहना बहुत मुश्किल होगा। जहां पे विपिन किसी के पास रफ्तार है, गति है, और एक देना सुरेन एक ओपन मौके को गवा चुका है टीम, लेकिन ये टूर्नामेंट में आज देखा गया दो दो गोल ड्रॉ होते हुए देखा गया जो कि फर्स्ट मैच में, और ये मैच में वही होने की संभावना। लेकिन टीम सुनील स्पोर्टिंग वज्र जोड़ी चाहेंगे कि और एक गोल के साथ ओपनिंग टीम को मजबूर करते हैं यहाँ पर संघर्ष करने के लिए, क्योंकि खिलाड़ी का दूसरा नाम भी है संघर्ष। और इस भी जगह देखा जाए तो कर्नर किक थोड़ा सा उछाल भरा था आसमानी शॉट के साथ, काफी पर मौका बनने का बावजूद हम दारा ने गेंद को संभालने में कामयाब हुए हैं। गेंद को लेने के साथ साथ मिडिल ऑर्डर में अगर देखा जाए तो सबसे बेहतरीन मिडिल ऑर्डर का यहाँ पर मौका बना है, देखना होगा श्याम ने क्या करके दिखा दे, लेकिन डिफेंडर निकालने में कामयाब टीम सुनील स्पोर्टिंग एफसी की तरफ से। गेंद को लेकर बढ़ चुका है दर्शकों का तादाद यहाँ पर पूरी तरह से समर्थन करते हुए टीम सुनील स्पोर्टिंग एफसी को। मसीना जोड़ी के सामने एक बेहतरीन स्थिति और ड्राइविंग सीट पे पहुंच चुका है, लेकिन उसको परिशोध करने में काफी बात अभी तक भरा हुआ है टीम रामजान एफसी के पास। हल्का सा प्रयास करना होगा, दूसरे हाफ में काफी वक्त बाकी है, लेकिन इसी बीच एक छोटा सा और उलझा हुआ परिस्थिति हैंडबॉल का सोचना, जिसके वजह से ये फ्री किक रहेगा। बिल्कुल सही वक्त में हुसैन का आवाज सुनाई दिया बेहतरीन और सुलझे समझाते हुए, तारीफ करना होगा ये संचालन का अक्सर किरदार के हर एक पहलू को। आप इसको समझते हैं कि कौन सा लो हर समय चेंज होते रहती है, 2022-23 की बात की जाए तो पहले हाथ बाहें दिखाने से अनुभव होती है, अभी उस तरह ही होगा बाकी के महेंद्र सोरेन, लेकिन कितनी आसानी से गोल टांगा यहाँ पर आप देखिए सेकंड गोल को, जहां पे सुरराम ने इतनी आसानी से कूल कंपोज एंड फिनिश किया था अपने टीम को दुखते गोल यहाँ पर दिलाते हुए, और ये मैच मजबूती स्थिति में खड़ा हुआ टीम है सूर्य स्मृतिंग, लेकिन टीम के पास वो दो गोल को फंसाने के लिए समय उनके पास बहुत अधिक है, लेकिन अपनी टीम चाहेगी जो समय उनके पास है जो अधिक समय है उस अधिक समय को यहाँ पर निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर इस वक्त को प्रयोग करना होगा, यूज करना होगा, तभी आप कम्पे कर पाएंगे। जैसे पहले में हल्का हल्का चौसपा छोटे से पास यहाँ पर तीन के लिए आसानी से तीनों ने कंट्रोल किया, गेंद को लीजिए यहाँ पर 15 नंबर के लिए, और पूरा तेनों को डूबा गेंद, तेनों के पास गेंद फिर से सुनील के प्रयास किया, मौका अभी भी है दिलू के पास, दिलू की शॉट और इसी के साथ जिक्र कर रहे थे कि आप लोग टाइम मैच में आप दो आसान से कभी एक टीम को हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि समय बहुत है यहां पे, जिस प्रकार से 10-10 मिनट की
मैच होती है 72 किलोमीटर में, वो मैच में अगर होता तो ये दो गोल तक हमें एक विश्वसनीय कहां टीम के पास मजबूत होते हैं, लेकिन ये हवा की झोंके हैं, कब किधर गुजरेगी, किनको उड़ा के चल जाएगा, किनका घर तोड़ के चल जाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल होगा। अक्सर हर एक मुकाबले में देखा जाता है स्टार खिलाड़ी, फुटन जैसा खिलाड़ी और देने जैसा खिलाड़ी चोटिल भी स्ट्राइकिंग लाइनिंग में रहते हैं सपोर्टिंग करने के लिए श्याम को, लेकिन थोड़ा सा क्या परिवर्तन आज लाए थे, लेफ्ट आउट के डिफेंडर के हिसाब से फुटन को दिया गया था और दिनों में थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर में खिले थे जिसकी वजह से काफी गलती देखने को मिला, लेकिन पीछे का जिम्मेदारी रंजन खुद अकेला संभालते थे, मिडिल ऑर्डर में सेंटर फॉरवर्ड के हिसाब से काफी बेहतरीन काम करके दिखाते हैं टीम तारा ने, लेकिन तारा के द्वारा और एक बेहतरीन शॉट के पास सामने गेंद के ऊपर गोल करते हुए तारीफ करना होगा, दूसरे गोल के नजदीक के आसपास पहुंचने के लिए काफी मेहनत करना होगा और तारा ने फिर से गेंद को संभालते हुए बेहतरीन तरीके से पास दिया, लेकिन डिफेंडर वहां पे मौका बना है गोल के आसपास हल्का सा हुआ और यहाँ पर सुनाराम लागुरी जिन्होंने सेकंड गोल किया था अपने टीम के लिए उन्हीं के द्वारा यहाँ पर गलती कर गए और एक यहाँ पे फ्री किक डायरेक्टली पेनल्टी किक मिलता हुआ एक सुंदर सा चांसेस है अपने टीम को यहाँ पे बराबरी पिलाने के लिए, लेकिन तारीफ करना होगा ये डिसीजन देने के लिए रेफरी का पोजीशन जहां पे बने हुए थे लगभग 8 यार्ड के दूर पे जितना फासला होना चाहिए था खिलाड़ियों के साथ उतने फासले के अंदर ना कोई संकोच ना कोई द्विधा ना कोई परेशानी बेहतरीन तरीके से ये डिसीजन देखने को मिला, लेकिन शॉट लेने के लिए तैयार फुटो दोनों टीम बराबर पे पहुंचने में कामयाब, पहला हाफ में 2-2 4 गोल देखने को मिला है। पहुंच चुका है टीम राम जाने एफसी बेहतरीन सपोर्टिंग के साथ दोनों टीम के खिलाड़ियों ने अपने साथी खिलाड़ियों को तलाश के साथ आगे बढ़ने में प्रयास यहां पर अवतार देखिए बेहतरीन तरीके से पहला गोल दागने वाले ये मैच में खिलाड़ी वो आगे बढ़ चुके हैं मौका बना है वहां पे आवाज के साथ हल्का सा प्रयास की कप करते हुए टीम राम जाने एफसी का लंबा सर दारा के द्वारा लिफ्ट विंगर के पास विंगर ने गेंद को संभालते हुए गेंद को अपने कब्जे में रखे हैं कदमों के नीचे और बेहतरीन ड्रिबल का प्रदर्शन माइनस करने का प्रयास लेकिन थोड़ा सा गलते लिफ्ट आउट का डिफेंडर फुटन ने गेंद को कंट्रोल करते हुए बेहतरीन तरीके से फुटन को यहां पर ब्लॉक किया गया गेंद लेकर बंद में यहां पर रफ्तार देखिए अंतिम पर्चा निश्चित हमें द्वितीय अध्याय होने को प्रयास करी टीम मसीना जोड़ी सुनील स्पोर्टिंग एफसी सामान्य विरति पर से सुस्थिर आपण को अधिक मात्रा त्वरान्वित करने प्रथम मिनिट में ही गोल देवे सक्षमता प्राप्त करी सुनील स्पोर्टिंग मसीना जोड़ी 3-2 परिस्थिति सुपर भाव में बाम पार्सल आउ गोटे आक्रमण सम्मुख भाग सुंदर शॉट क्रॉस करने प्रयास करते जर्सी नंबर 27 किंतु अंतिम समय बल सीधा सड़क भाव में सीमारेखा बाहर को अतिक्रम करने पथ परिष्कार करे सम्यक भाव में अपेक्षा कर गोलकीपर को पाद स्पर्श एवं डिफेंडर को सम्मुख भाग अंचल पुत्र क्लियरेंस सेवा पाई पुनर्बार एक अच्छे शॉट के साथ करने का तैयारी गोल की कहीं से भी ले सकते हैं पेनाल्टी एरिया के अंदर से माफ कीजिएगा गोल एरिया के अंदर से गोल की कहीं से भी ले सकते हैं
इसमें किसी तरीके का द्विधा नहीं, किस तरीके का दबाव वहां पर डालना चाहते थे खिलाड़ी उनको भी पता होगा, लेकिन फिर चाहे क्रमण हल्का सा प्रयास वहां पर धीरे धीरे तीन खिलाड़ियों को डबिल करने के साथ साथ किए किसको वहां पर गेम को कंट्रोल करते हुए तारीफ करना होगा, जिस तरीके से गेम को कंट्रोल करते हुए सत्यकारी के तलाश किए गूगल के जरिए बक के साथ दूसरे पास दिए हैं पास के साथ वहां पर हल्का सा माइनस करते हुए चर्चा नंबर 17 सज्जनों जो जीत हासिल करेगा 25,000 का करीब पहुंचने का मौका उसके हाथ में पूरी तरह से पहुंच जाएगा। ये प्री क्वार्टर फाइनल में जीतते हुए क्वार्टर फाइनल की ओर जाएगा, लेकिन एक प्राइज लेने का मौका उसके हाथ में बना रहेगा। आखिरी दिन में उसको खेलने का मौका बनेगा क्वार्टर फाइनल में और सेमीफाइनल की ओर बढ़ने में, लेकिन इसी बीच के वक्त आके पहुंच चुका है भजरंग वाली एफ सी मयूरभंज और एक सिलाधर एफ सी हरेरा बोट अगला मुकाबला के लिए जल्द से जल्द मैदान के दूसरे छोर में पहुंच जाए। धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा तीन यूट्यूब चैनल के प्रसारित करने के लिए, तीन यूट्यूब चैनल हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो ये मैच को काल भी देखना चाहते हैं, हर एक परिस्थिति को यहां पर काल भी देखना चाहेंगे, वक्त के हिसाब से सालों साल भर के बाद भी देखना चाहेंगे, तो सब्सक्राइब कीजिए पिंटू वोड्रा यूट्यूब चैनल, हरीश स्पोर्टिंग यूट्यूब चैनल और बीपी स्पोर्टिंग चैनल को। तो चलिए ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए मैदान के अंदर फिर से ले चलते हैं, राजा सिंह के पास गए थे माफ कीजिएगा, और इसी के साथ सीने से लगाते हुए गेंद को रोकने में कामयाब, और इसी के साथ रोहित सिंह माफ कीजिएगा गोल कीपर रोहित सिंह ने गेंद को क्या गैदर करते हुए रिलीज करने का प्रयास लेते हुए थोड़ा सा इधर उधर होते दौड़ते हुए लंबा शॉट लिया है, लेकिन लेफ्ट आउट के डिफेंडर फुटू ने हेडर करते हुए वापस किए, थोड़ा सा रफ्तार को बढ़ाना होगा यहाँ पर टीम राम जाने एफसी को, क्योंकि अब स्थिति यहाँ पर बदल चुका है, जो दो दो का स्थिति था वो तीन दो में तब्दील हो चुका है। दर्शन बच्चे बात यह है वहां पर दोस्तों तो 15 के लिए 15 ने वहां पर बेहतरीन क्रॉस हुए हैं, लेकिन तारा ने रोकने से पहले उछालते हुए गेंद दूसरे छोटे स्पॉट लाइट एरिया में जाकर पहुंच चुका है। निश्चित रूप से हमें कड़ी संघर्ष करना पड़ेगा टीम को, रामचानी एफसी को बहुत कड़ी संघर्ष यहाँ पर करना होगा अपने टीम को, अगर एक गोल और अगर यहाँ पे अगर नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए परेशानी बन जाएगा टीम में रामचानी एफसी के लिए, बहुत दो दो ड्रॉ करने के बाद फिर एक मैच की रीस्टार्ट की शुरुआती छाप पे यहाँ पर गोल यहाँ पर लेके खड़ा कर दिया टीम अपने टीम को यहाँ पर मजबूर कर दिया संघर्ष करने के लिए सुनील स्पोर्टिंग मस्त्र जोड़ी के थोड़े देते हुए, लेकिन देखते हुए गेंदों क्लियर किया है और तीनों की यहां पर बहुत खराब की कहने से यहां पर कम नहीं होगा, जिस प्रकार से थोड़ा सा अपने टीम को ऊपर टच कराने के प्रयास किया था गेंद को, लेकिन वैसे कुछ हुआ नहीं और गेंद चाहते हुए गोल का बहाली कॉर्नर यहां पर मिल चुका है टीम को, और एक गोल लाने की यहां पर फिराक में सुनील स्पोर्टिंग, सुनील स्पोर्टिंग खिलाड़ी लबू छान बासी मुंडा गोल पसंद करवाते हैं गेंद के पीछे, यहां पर श्याम जाते हुए थोड़ा सा डिफेंसिव करने का प्रयास करते हुए, लेकिन थ्रो इन मिलेगा लंबी थ्रो इन और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए समय विपिन किसी के पास गया था, विपिन किसको होल्ड करने के बाद साथी प्लेयर को देखते हुए टीम करने का प्रयास किया गेंद को होल्ड किए पुनः सपना को ढूंढा और ढूंढने के बाद वापस श्याम के लिए गुलित करते हुए लेग पैसे पे करने प्रयास करता है, इस दरमियान वो करने का प्रयास किया लेकिन गेंद पूरा चला जाएगा ऑपरेटिव की लंबी क्रिया लेकिन रंजन देवरी आगे बढ़ते हुए चोट आई होगी, जिनकी पावर कम हुआ होगा वही खिलाड़ी के यहाँ पर चोट लगा होगा, 50-50 गेंद की जो खेल होता है उसमें होता है पावर, आप अगर गेंद मैं दोनों खिलाड़ी यहाँ पर पैर को यहाँ पर यूज किया है तो पावर के साथ और जिनका भी पावर कम हो जाता है वो खिलाड़ी की दर्द से यहाँ पर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस प्रकार की चोट फुटबॉल खिलाड़ी जान सकते हैं और मुझे भी लग चुकी है, इसीलिए मेरा राइट फुट अभी चलता ही नहीं है, बस लेफ्ट फुट ही बचा हुआ है मेरा भी, और यही स्थिति है क्योंकि 50-50 बॉल की वजह से मेरा भी राइट फुट खत्म है, और इसीलिए पावर जिनका कम हो जाता है उसी खिलाड़ी को चोट का सामना करना पड़ता है। परवर्ती मैच में बजरंग वाली मयूरभंज एफसी एवं एक स्लबर हरेरा बोट उभय टीम को अनुरोध करी काला विलंब न करंतु नहीं, वो अनुरोध करी परवर्ती मैच में
क्वार्टर फाइनल द्वितीय पाई जथा प्री क्वार्टर फाइनल द्वितीय पाई जथा शीघ्र टेक्निकल एरिया रे उपस्थित हो जाएंतु से थोड़ा सा बाहर जाना पड़ा थोड़ा सा यहां पर महंगा हो सकता है टीवी सुनील स्पोर्टिंग एफसी के लिए लेकिन तारीफ करना होगा आगे के समय आगे का मुकाबला के लिए अपने खिलाड़ियों को तैयार करने में थोड़ा सा वार्म अप का जरूरत है लेकिन वक्त के हिसाब से कभी भी कुछ भी हो सकता है लेकिन फिर आक्रमण यहां पर प्राप्त हुए टीम सुनील स्पोर्टिंग एफसी की तरफ से टीम दो का स्थिति अभी दोनों टीम के बीच में सुनील स्पोर्टिंग एफसी रेडियम कलर का जर्सी पहना हुआ टीम के हाथ में अब तक 3 गोल बरकरार है और 2 गोल के साथ ये मैच में अभी भी जूझ रहा है टीम राम जाने एफसी दूसरे हाफ का समय वक्त का नजाकत को यहाँ पर देखते हुए जितना वक्त वहां पर इंजुरी टाइम में क्या है उसी वक्त को यहाँ पर भरपाई करते हुए प्रयास तारा ने गेंद लेकर करने का प्रयास दिशा दे दिए हैं अपने साथी खिलाड़ी जर्सी नंबर 8 के लिए डिफेंस से तारा तारा ने लेफ्ट आउट के खिलाड़ी के पास जर्सी नंबर 4 जिनको कंट्रोल किए कंट्रोल के बाद बहुत ही अच्छी बेहतरीन क्रॉस है श्याम के पास श्याम ने फुटुन के पास फुटुन ने नियंत्रण कर नहीं पाए लेकिन गेंद उछाल लिया और गोल लाइन से बाहर और इस बीच एक मौका गवाया है फिर से टीम राम जाने एफसी और किक लेने के लिए गोल किक लेने के लिए तैयार हो रहा है टीम सुनील स्पोर्टिंग एफसी गोलकीपर और डिफेंडर गेंद को तैयार करते हुए हल्का सा प्रयास है लंबा टेकअप होते हुए दूसरे मंच के छोर के नजदीक में दारा के पास तारा ने गेंद को कंट्रोल किया लेकिन गेंद को लेने में कामयाब हुआ टीम सुनील स्पोर्टिंग क्लब जर्सी नंबर 27 गोल लगने का बहुत ही अच्छी प्रयास उनके द्वारा लेकिन चार क्रॉस होने से पहले गोल लाइन से बाहर सुंदर भावर प्रत्येक समय प्रथमांतर प्रथम गोल में तीसरे से जर्सी नंबर 27 द्वितीय प्रथम गोल मध्य देखा मिली जर्सी नंबर 27 प्रथम सुनील स्पोर्टिंग एफसी बसिला दोरी तरफ किंतु परवर्ती समय परिचोद करने बारंबार प्रयास कर एक अच्छा परिस्थिति दोनों टीम के खिलाड़ियों के बीच में थोड़ा सा आनाकानी और उलर उतावलापन जिसके वजह से वह बच्चों के अंदर रेफरी बिल्कुल तारीफ करना होगा जितना भी अनुभव है उतना ही यहां पर प्रदर्शन देखने को मिलता हुआ कौन कहेगा ये रेफरी सही तरीके से संचालन करने में थोड़ा सा अभी भी अपने आप को 100% दे नहीं पा रहा है लेकिन बिल्कुल कहेंगे जितना भी अनुभव है उतना अनुभव को यहां पर दिखाते हुए एक मिसाल कायम करते हुए ये टूर्नामेंट में लंबा शॉट लिया गया है लेकिन सामने रोकने का प्रयास जर्सी नंबर 15 गेंद को रोकते हुए विपिन किसको ने जोरदार प्रहार के साथ गेंद को लेकर बहुत अच्छी रफ्तार के साथ बढ़ चुके हैं लेकिन सामने डिफेंडर लगे हुए हैं उनके साथ हल्का सा माइनस के देना के बाद देना ने बहुत अच्छे प्रयास गेंद के साथ श्याम के पास लेकिन सामने कंट्रोल करने का है फिर से विपिन के पास विपिन ने गेंद को कंट्रोल किए थोड़ा सा देखे रणनीति में थोड़ा सा रन भरे और इसी के साथ फुटुन के पास गेंद गया फुटुन ने वहां पर गेंद को संभाला फुटुन ने दारा को दिए दारा ने वहां पर शॉट लेने के लिए अपने साथी खिलाड़ी अब दिनों ने फुटुन ने वहां पर रोके हुए अब दारा ने पोस्ट शॉट लिए लेकिन सीधे गोल लाइन से बाहर इतना दबाने के बावजूद रसगुल्ला तैयार हो गया लेकिन खाने के लिए चारों के बीच में थोड़ा सा इधर उधर भटकता हुआ स्थिति परिस्थिति बना और जिसके वजह से रसगुल्ला पूरी तरह से टूट के बिखर गया लेकिन रसगुल्ला को कोई भी खा नहीं पाए और इसके वजह से और एक गोल किक करने के लिए तैयार हो रहा है टीम सुनील स्पोर्टिंग एफसी बसरा जोड़ी लंबा शॉट टेकऑफ हो चुका है आधा दूर तक तय कर चुका है लेकिन आधे दूर को जाने के लिए तैयार है रफ्तार बढ़ाना होगा ये मैच में अगर बना रहने के लिए अपने टीम को लेकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का प्रयास को और मुकाम को पहुंचने के लिए टीम राम जाने एफसी को निश्चित रूप से बड़े भाई जिस प्रकार से आपने ये मैच की लाइव सी कमेंट्री का दे रहे हैं जहाँ पे मैच की पूरी गतिविधियों को दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कहाँ पे क्या हो रहा है कहाँ जगह पे क्या हो रहा है गेंद कौन सी जगह में है ये सारी चीजें आपने जिक्र दे रहे हैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा महंतो को लेकिन आपने प्रियंका सारा विपिन के पास किया थे विपिन लेकिन अच्छे स्टार्टिंग टेकल पर करने की प्रयास किया था जैसे नंबर 23 जो की शिवा करला अभी विपिन के पास किया राम जाने वो तो बनेगा और फिनिश करने की प्रयास लेकिन वहां पर कोई संगति कमाल का था यहाँ पर महेंद्र सोरेन ने आसानी से गेंद को नियंत्रण किया रहा था गोलकीपर रोहित के लिए खतरा बना था लंबी उछाल बीट हो रही है इनके पास धक्का बढ़ेंगे पंकज के पास और गेंद को भी कमाल की मौका बनाते हुए लेकिन वहां जो मूवमेंट बनी थी
हम तुम में गेंद निकल गया अपने टीम के पास और ये मायूसी को यहाँ पर अगर खिलाड़ी के ऊपर जो मन में जो दबाव है अभी तक टीम के पास है तो दबाव में चलता लगे महेंद्र सोरेन लंबी क्रिया उसने सबके को क्लियर किया है हमारे यूट्यूब से जहां से यूट्यूबर ये पल को कैद कर रहे हैं उनके आसपास यहां पर गेंद टपक खाता हुआ अभी भी यहां पे डिस्ट्रीकर के पास गेंद है अब दोनों गजब खिलाड़ी लेकिन सुंदर कोमरी जबरदस्ती खींचने के प्रयास और इसीलिए यहां पे सिटल रेफरी ने फाउल का यहां पर करार देते हुए और फाउल की का मौका मिलेगा इस दरबार टीम सुनील स्पोर्टिंग को जो कपड़ा रही बारिक तले धला कलर मु अनुरोध करी जो दर्शक मैंने माड़ बस अनुरोध करी छाड़ी दिखा जो धला कलर बारिकेड रही कपड़ार मु अनुरोध करी छाड़ी दिखा धन्यवाद तो चलतु गोटे मिसकंडक्ट सर्ट को फेकिक ना प्रस्तुत हो सुनील स्पोर्टिंग के मशीना जोड़ी एफसी और यहाँ पे फ्री किक निकलता हुआ और थोड़ा सा समय को व्यतीत करने की कोशिश करते हुए क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास एक मजबूत ब्रत है उस ब्रत को बचाने की कोशिश करता हुआ और यहाँ पे एक नंबर के पास किया जाएगा आसानी से क्योंकि सोलह में कैसे करते महेंद्र सिंह सिपाही दर्शक भी तो समझ के रहेंगे अन्यथा मैच के साथ साथ आपको भी जिस प्रकार से आज खेल के दरमियान दुर्घटना हुई है आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा इसलिए थोड़ी सी आप अपनी बचाव सुनाई करेंगे कहते हैं ना अपने सामान खुद बचाए तो ही यहाँ पर अपनी जान खुद बचाए अन्यथा कभी भी चोट लग सकती है ये टूर्नामेंट एक अलग टूर्नामेंट की रूप ले चुका है जो कि हरिचंदनपुर एरिया के एक बड़े टूर्नामेंट की रूप ले चुका है बारंगा पार्टी क्लब सरफोसी जैसे तीन सालों की स्कूप की उछाल श्याम के लिए हेट करने के प्रयास के श्याम ऑन द एयर जाने के बाद हेट लिया था लेकिन जब तक अपने बॉडी को जमीन में लाते उनसे पहले गेंद जा चुका था गोयल के बाहर कवाल की मैच तमाम दर्शक आज के दिन में बहुत खुश है जितना तक मुझे लगता है और हुसरी यहां पर बजी है क्योंकि उनको पता है सटल रेफरी को समय थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेंगे कोई भी टीम हो तो अपनी अनुभवी को यहां पर दिखाने की कोशिश करेंगे और क्या ये गोल अपने टीम जिस प्रकार से सूर्यदेव अपनी घर की ओर सूर्यदेव अस्त होते हुए नजर आ रहे लेकिन यहां पर मौका बनेगा लेकिन आउटलेट यहां पर तीन खिलाड़ी मिलकर ये प्रेस कर रहे थे तो एक क्रॉस था यहां पर असिट की बात की जाओ ठीक है दर्शकों की तरफ से ये मांग आ रहा है कि कौन सा यूट्यूब चैनल में ये मैच को रिकेप देख सकते हैं दर्शक बंधु अनुरोध कोई भी यदि ये मैच की बाई टूर्नामेंट और प्रत्येक कार्यक्रम को आप निज मोबाइल साहब देखा चाहते तेज सब्सक्राइब करते पिंटू बद्रा यूट्यूब चैनल कि हरीश स्पोर्टिंग यूट्यूब चैनल कि दीपी स्पोर्टिंग यूट्यूब चैनल तीनो यूट्यूब चैनल रही पिंटू बद्रा यूट्यूब चैनल हरीश स्पोर्टिंग यूट्यूब चैनल और दीपी स्पोर्टिंग यूट्यूब चैनल तीन जन यूट्यूबर आम सहित जड़ित होती मैच ए टूर्नामेंट को उपभोग करने जदि चाहते तेज सब्सक्राइब करते तीनोटी यूट्यूब चैनल को ठीक है निश्चित रूप से हम आप अगर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप खेल को देखना चाहते हैं तो आप पिंटू बद्रा हरीश स्पोर्ट दीपी स्पोर्टिंग चैनल में आप सर्च करके देख सकते हैं और जिस प्रकार से ये महारंगा पार्टी क्लब सरफोसी की इस साल की सजावट जिस प्रकार की आज रिपब्लिक डे है रिपब्लिक डे पे पतंग आज फ्लैग होस्ट किए हैं और उसी फ्लैग कलर में इससे जानिए टूर्नामेंट के नए नए दुल्हन की तरह ये पड़े हैं ये ग्राउंड को सजा दिया गया है और आप सब देख भी रहे हैं आपके पास आसानी से आगे बढ़ने का प्रयास किया गेंद को आगे जाने की कोशिश करते हुए लेकिन कुछ फायदा होगा नहीं लंबी थ्रोइंग साथ में ढूंढते हुए भूपेन डोंगरी और इसलिए साथ जब बता हुआ मौका बना है यहाँ पर दारा की रनिंग का भी कमाल की लेकिन जितनी भी प्रशंसा किया जाए उतना ही कम है डिफेंडर के द्वारा एक टीम बारंबार कोशिश करते हुए कि हम ये टूर्नामेंट में बने रहेंगे एक गोल को ड्रॉ करने के लिए हर संभव प्रयास को जी जान लगा दिया है आज वो टीम है और इसी के साथ रन चलते हुए राजेश लंबी बाहर करते हुए
और कहते हैं ना कि हालत वो ना रखे जो हौसला को बदल दे, अरे हालत वो ना रखे जो हौसला को बदल दे, बल्कि हौसला वो रखे जो हालत को बदल दे। यहाँ पर हालत को बदलना होगा। मात्र दो मिनट की समय है, इंजरी टाइम को यहाँ पर एंड किया गया है। सेटोग्राफी ने मुझे यहाँ पर अपनी उंगली दिखाते हुए कि मात्र दो मिनट का समय है राम जाने के बाद, जो करना है आपको दो मिनट में करके दिखाना होगा राम जाने। और इसी के साथ राम जाने उसी के पास गेंद है और वो दो मिनट के यहाँ पर क्या रोक पाएंगे, जो कि एक्स्ट्रा समय को यहाँ पर दिखा चुके हैं, जो कि जो समय व्यतीत किया था खिलाड़ी बॉल आउट करने में, खिलाड़ी इंजर्ड होने में, यहाँ पर जो एडिशनल टाइम को यहाँ पर ये की एड किया गया है दो मिनट का, दो मिनट की और ये मौका था सौ का बेनिफिट की शुरू, लेकिन डायरेक्टली काउंटर होते की तैयारी में टीम आसानी के साथ यहाँ पर अभी ने कभी भी बढ़ सकता है, जो कि एडिशनल समय भी ऐड कर चुका है, मंत्र लग रहा है और यहाँ पर काउंटडाउन शुरू हो चुका है समय की समाप्ति का। अब देखने वाली बात होगा सेंटर रेफरी की आखिरी डिसीजन आखिरी कब आएगी। ये सेंटर डिफेंडर रेफरी के प्रति यहाँ पर हमें मिल जाएगा और इसी के साथ सेंटर रेफरी का ये मैच का इंटरनेशनल टाइम का साथ ही